नमस्कार बंधु, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और मैं आपसे मिल रहा हूं इस ऑडियो पॉडकास्ट के जरिए जिसका नाम है जिंदगी वाइब्स विद आशीष विद्यार्थी। बंधु देखो, जिंदगी जो है खट्टी मीठी, थोड़ी सी मिर्ची वाली, कभी बहुत ही कड़वी और कभी बहुत ज्यादा मीठी। जिस भी तरह से हम जिंदगी को काटते हैं, जिंदगी कटती है हम सबके लिए। अगर आप देखें अपनी जिंदगी को, मैं देखूं अपनी जिंदगी को, तो जिंदगी में न जाने कितने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं और वही एक्सपीरियंसेस हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ बातों पर हंसूंगा, कुछ बातों पर शायद थोड़ी से आंसू भी बहाऊंगा। इंतजार करूंगा कि किस तरह से मैं जिंदगी को पूरी तरह से समझ सकूं और उस समझ को आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि जिंदगी जो वाइब देती है, जो वाइब्रेशन हमें देती है, वही तो बन जाती है हमारी जिंदगी। तो आइए मिलते हैं जिंदगी वाइब्स पर। जिंदगी वाइब्स में मैं आपके साथ कुछ ऐसे रास्ते चलूंगा जहां पर शायद आप भी अपनी जिंदगी में कुछ खास वाइब्स ढूंढ पाए। शुरू करता हूं आज का एपिसोड जिसका नाम है क्या ये वाइब्रेशन। देखिए कितनी बार लगता है ना यार कि लगता है यार कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो यही लगना ना लगना, यही वाइब्रेशन है। वो जो चीज अच्छी लगती है हमें, उसके लिए जान भी दे सकते हैं, जिंदगी न्योछावर कर सकते हैं, और वो चीज जो पसंद नहीं उससे दौड़ते हैं, उससे भागते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज है जो वाइब्रेशन देती है ऐसा, जिसको देखकर हमें लगे कि यार गले लगा ले, या लगता है कि भाग जाए इसके पास से। तो देखिए, खट्टी मीठी चीजें आपको पसंद है क्या? भाई मुझे तो चाट बहुत पसंद है, मैं चाट खाने का बहुत शौकीन हूं, और चाट की खासियत होती है कि चाट को आप चाट चाट के खाते हैं। आप खाते हैं कि नहीं? मैं तो चाट चाट के खाता हूं, मजा आता है। दिल्ली की सड़कों में जब मैंने पहले खाया था बचपन में, भाई वहीं गुजरी मेरी जिंदगी, तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। जब पापड़ी चाट में थोड़ा सा सौंठ डलता था, फिर दही, फिर मिर्ची, आहा नमक, आहा, और उसके बाद कुछ सीड्स डलते हैं, आहा, उसके बाद आलू कट के डलता था, आहा, और उसके बाद आखिर में थोड़ा और सौंठ, और फिर हरी चटनी, वो नहीं भूल सकता मैं। ये सारी चटनियां, ये सारे मसाले अलग अलग टेस्ट देते थे। दही की खटास थी, हरी चटनी का तीखापन था, सौंठ की खटास के साथ साथ मिठास भी थी, और पापड़ी की कचर कचक, इसलिए आलू नरम लेकिन पापड़ी अब सोचिए आप जब भी पापड़ी की बात सोचते हैं, पाते हैं ना कि न जाने कितने सारे टेस्ट उसके अंदर, और उसी टेस्ट का मजा हम लेते हैं, उसी टेस्ट का मिक्स है वो वाइब्रेशन जो पापड़ी चाट में मिलती है। बंधु अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हमारी जिंदगी वैसी नहीं है? अनूठे अनूठे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे, कुछ नमकीन, कुछ कड़वे, लेकिन उन सब के साथ ही बनती है हमारी जिंदगी। मैंने जब जब अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचा है कि यार सिर्फ एक ही तरह की होगी जिंदगी, एक तो जिंदगी कभी वैसी हुई नहीं है, और दूसरी अगर हो भी जाती, कसम से कह रहा हूं यार, बहुत ही बोरिंग हो जाती। आई एम बोर्ड यार, सेम चीज अगेन एंड अगेन। हु लाइक्स अ बोर्ड लाइफ, हु लाइक्स अ बोरिंग लाइफ? मुझे तो पसंद नहीं भाई। आपको पसंद है क्या बोरिंग जिंदगी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब हम और आप, हम दोनों ही बोरिंग जिंदगी पसंद नहीं करते, तो फिर जिंदगी के डेंजर से क्यों डरते हैं भाई? क्योंकि बोरिंग का ऑपोजिट है डेंजर। बोरिंग का मतलब फिक्स्ड, सब कुछ वही है जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही है जैसा पहले था, पहले जैसा अब है, डाना डाना ढोरू डाना ढोरू डाना ढोरू डाना ढोरू डाना ढोरू डाना ढोरू डा, मतलब एक रिदम में चले जा रहा है बोरिंग। हम और आप हमेशा चाहते हैं कुछ नयापन। नयापन वो चीज़ है जो मिर्ची लगी, पानी दो, उस पानी दो, या मिर्च, पानी लेते लेते गए, भैया थोड़ी सी और मिर्ची डाल देना, ये है जिंदगी बंधु। तो जिंदगी वाइब्स में अगर आप ध्यान से देखें, जिंदगी के ये जो वाइब्रेशंस हैं वो हम बताते हैं कि हमें पसंद है कि नहीं।
हां कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होंगे जो आपको और मुझे पसंद नहीं होंगे, वो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कैसा रहेगा अगर हम जिंदगी के वाइब्रेशंस को इस तरह से अपना पाएं कि जिंदगी हमारे लिए एक अनूठे रूप में एक गिफ्ट की तरह सामने आए। जी बंधु, आज पहले एपिसोड में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह के वाइब्रेशंस हम आकर्षित करते हैं। यकीन दिलाता हूं मैं आपको, जो जो हम आकर्षित करते हैं ना, घुमा फिरा के वही होता है। बात बुरी लग रही है, लग रहा है अरे छोड़ यार, इतना जो बुरा हो रहा है क्या मैंने आकर्षित किया है? क्या पता बंधु, क्या पता, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उतना बुरा है नहीं जितना कि आप बोल रहे हैं खुद को। वाइब्रेशंस उसी मौके के दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कैसा रहेगा कि अगर हम उस मौके में कुछ वाइब्रेशन ऐसे चुने, कुछ वाइब्स ऐसे चुने, कुछ माहौल ऐसा चुने कि हम कहें कि नहीं यार मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब हमें जिंदगी अच्छी लगती है उस जिंदगी को हम कुछ अनूठा बना पाते हैं। बंधु, मेरे लिए जिंदगी वाइब्स एक ऑनगोइंग स्टोरी है, ये कहानी कंटिन्यूअस है, इसलिए ये सब बातें मैं आपसे करता रहूंगा। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू रिलेशनशिप्स की बातें करूंगा जो हमारे आपस में होती है, हमें काम की बातें करूंगा कि किस तरह से काम की जगत में भी हम उन रिलेशनशिप्स को कितना महत्व दे सकते हैं, और मैं बात करूंगा आपके सपनों के बारे में, अपने सपनों के साथ। क्योंकि बंधु, जिंदगी में हम जो भी करें सपने तो हमारे साथ ही चलते हैं ना। हाँ, कुछ देर के लिए हम लोग उन्हें दरकिनार कर देते हैं, कहते हैं हटा यार क्या सपने देखना, लेकिन जिंदगी वाइब्स में मैं आपको सुनाऊंगा अपने सपनों की कहानी। उनमें से न जाने कितने सपने पूरे हुए, न जाने कितने सपने पूरे नहीं हुए। जी हाँ बंधु, जिंदगी वाइब्स में हम और आप साथ चलेंगे और देखेंगे कैसे हम इसी जिंदगी के कुछ अमेजिंग वाइब्स अपने लिए बटोर सके। तैयार हैं आप चलने के लिए मेरे साथ? तो हम लोग अलग अलग एपिसोड में जिंदगी के अलग अलग आयामों को ढूंढेंगे। मैं आपको कुछ सड़कों पर लेके जाऊंगा, मैं आपको गांव बगीचों में लेके जाऊंगा, मैं आपको जिंदगियों में लेके जाऊंगा। आप सुनेंगे कुछ खिलखिलाती हंसी, आप सुनेंगे शायद कुछ सुबकियां भी। आज हमारे आसपास जो सब भी हो रहा है वो भी तो जिंदगी वाइब्स का हिस्सा है। जिंदगी एक तरह से पेश आ रही है हम सबके लिए। आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं, क्योंकि जिंदगी तो अपनी है दोस्त, और इसी जिंदगी को काटते काटते हम कुछ खास भी बनाएंगे। मिलता रहूंगा आपसे बंधु, आप भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ और बताइएगा कौन सी कहानियां आप सुनना चाहेंगे जिंदगी वाइब्स पर। मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूंगा। आप हमें कमेंट्स भेज सकते हैं ऑन reachus@aashishvidyarthi.com और इंस्टाग्राम पर तो मैं ही हूं आशीष विद्यार्थी 1, मैं ट्विटर पर हूं आशीष विड, और लिंक्डइन और फेसबुक पर तो हूं ही। खैर, यूट्यूब पर भी आप मुझे पा सकते हैं आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑन द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ जिंदगी वाइब्स विद आशीष विद्यार्थी। मिलते रहेंगे साथी, ढेर सारा प्यार, ढेर ढेर सारा प्यार।